भारत विकास परिषद एवं पतंजलि योग समिति के संयुक्त तत्वावधान में इन दिनों हाई स्कूल मैदान में योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। योग प्रशिक्षक दिलीप तिवारी लोगों को योग के विभिन्न आसनों के गुर सिखा रहे हैं। 18 दिवसीय योग शिविर में सैकड़ों लोग अल सुबह से योग के माध्यम से स्वस्थ रहने की कला सीख रहे हैं। बाड़मेर वासियों को चुस्त एवं तंदुरुस्त रखने को लेकर इन दिनों राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्टेशन रोड में योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। भारत विकास परिषद एवं पतंजलि योग समिति के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हो रहे इस योग शिविर में प्रशिक्षक शहरवासियों को योग के विभिन्न आसनों का अभ्यास करवाने के साथ ही स्वस्थ और फिट रहने के नुस्खे बता रहे हैं। दरअसल भारत विकास परिषद और पतंजलि योग समिति की ओर से हाई स्कूल मैदान में 3 जून को योग शिविर की शुरुआत की गई थी। हाई स्कूल में यह योग शिविर आगामी 20 जून तक चलेगा। शिविर के दौरान रविवार सुबह योग प्रशिक्षक दिलीप तिवारी ने शिविर में भाग लेने आए शहरवासियों को विभिन्न कलाओं में योग सिखाया। इस 18 दिवसीय योग शिविर में सैकड़ों लोग अल सुबह से ही योग के माध्यम से स्वस्थ रहने की कला सीख रहे हैं। योग शिविर में दिलीप तिवारी व दुर्गा तिवारी शहरवासियों को योग के माध्यम से स्वस्थ रहने के लिए विभिन्न आसनों एवं ध्यान की विभिन्न मुद्राओं का सतत अभ्यास करवा रहे हैं। स्वस्थ रहने के लिए योग सर्वाधिक फायदेमंद है। इसी तर्ज पर शहर की हाई स्कूल में योग सीखने और इसका निरंतर अभ्यास करने के लिए शिविर में सैकड़ों शहरवासी रोजाना उमड़ रहे हैं। योग प्रशिक्षक दिलीप तिवारी और दुर्गा तिवारी हाई स्कूल मैदान में महिला पुरुषों को योग के विभिन्न आसनों का अभ्यास करवा रहे हैं।